पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और पुलिस के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है, ये जानकारी मिल रही है पाकिस्तान, जहां इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों इमरान समर्थक पहुंच गए। इस्लामाबाद की सबसे वीवीआईपी लोकेशन यानी जहां पर शहबाज शरीफ का ऑफिस है, पाकिस्तान की संसद और सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर इमरान सपोर्टर्स का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई ने मोर्चा खोल दिया। इस्लामाबाद के डी चौक यानी सबसे बड़े चौक पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तस्वीर है, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त न सिर्फ सेना, वहां की पुलिस, बल्कि पीटीआई के जो समर्थक है, इमरान खान के जो समर्थक है, वो सड़कों पर इस तरीके से उतरे हैं। और लगातार जो इमरान खान के पार्टी के समर्थक है वो उनके रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि आर्मी को तैनात किया गया है। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टियर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। गोली का जवाब गोली से देने का ऐलान करने वाले ये जनाब है खैबर पख्तूनवा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर। इस्लामाबाद में एंट्री के दौरान झड़प हो गई और ये झड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई। इमरान के समर्थक और पुलिस वाले भिड़ गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों इमरान समर्थक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद की सबसे वीवीआईपी लोकेशन यानी कि वो लोकेशन जहां पर शहबाज शरीफ का ऑफिस है। इमरान समर्थक आज पाकिस्तान में आग लगाकर ही मारेंगे। इमरान खान की एक आवाज पर उनके समर्थक पुलिस के इंतजाम को तोड़ते हुए रावलपिंडी पहुंचे। ये वही शहर है जहां की एक जेल में इमरान खान बंद है। कुछ भारी जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक जाम, क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। दोस्तों खान आ गया, खान छा गया। दोस्तों खान ने आज डी चौक में कॉल दी थी कि वो एहतजाज करेंगे और पीटीआई वाले बहुत ही ज्यादा तादाद में आज इस्लामाबाद में जमा हुए थे। अली अमीन गंडापुर को पहले तो इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दिया गया था, लेकिन आज वो पहुंचे हैं और एहतजाज में शरीक भी हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। और इमरान खान के हक में भारतीय मीडिया बोल पड़ा है। भारतीय मीडिया कहना है कि एक आदमी जो जेल में बंद है उसने इतनी आवाम कैसे जमा कर ली। आइए मजीद जानते हैं कि इसको लेकर भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और पुलिस के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है, ये जानकारी मिल रही है पाकिस्तान, जहां इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प भी। 15-16 अक्टूबर को यहां इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक भी पाकिस्तान को होस्ट करनी है और ऐसे में इमरान खान की पार्टी के ये कार्यकर्ता जो लाखों की तादाद में एक तरीके से इस्लामाबाद को घेरे हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, यहां पुलिस की तरफ से मशक्कत तो बहुत की गई, बाकायदा कंटेनर्स यहां पर लगा दिए गए ताकि वो दाखिल ना हो पाए। लेकिन देखिए किस तरीके से ये हुजूम और अब इसको तितर बितर करने के लिए पाकिस्तान पुलिस बाकायदा आंसू गैस के गोले तक दाग रही है ताकि ये भीड़ छटे, लेकिन भीड़ है कि हटने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से उनके समर्थक इस्लामाबाद की तरफ कूच करते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों इमरान समर्थक पहुंच गए। इस्लामाबाद की सबसे वीवीआईपी लोकेशन यानी जहां पर शहबाज शरीफ का ऑफिस है, पाकिस्तान की संसद और सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर इमरान सपोर्टर्स का कब्जा हो गया है। शहबाज शरीफ की पुलिस इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में है, लेकिन ये किसी के रोके रुक नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इमरान समर्थक इस्लामाबाद में आग लगाकर ही मानेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई ने मोर्चा खोल दिया। इस्लामाबाद के डी चौक यानी सबसे बड़े चौक पर बड़ा प्रदर्शन किया। इसी चौक के पास पाकिस्तान की संसद, सुप्रीम कोर्ट और पीएम ऑफिस मौजूद है। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त किए। पाकिस्तान सरकार ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सीमा को कंटेनर से सील कर दिया। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने 24 घंटे पहले धमकी दी कि प्रदर्शन करने वाले किसी नरमी की उम्मीद न करें। इस्लामाबाद में डी चौक पर जुटने के लिए इमरान खान की पार्टी ने पोस्टर भी जारी किया जिस पर करो या मरो का मैसेज लिखा था। इस बीच इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपना एक संदेश भी जारी किया। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये जो तस्वीर इस वक्त चार हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की तस्वीर है, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त न सिर्फ सेना, वहां की पुलिस, बल्कि पीटीआई के जो समर्थक है, इमरान खान के जो समर्थक है, वो सड़कों पर इस तरीके से उतरे हैं। मार्च बुलाया है और यहां स्थिति ऐसी हो गई कि सेना की तरफ से टियर गैस भी छोड़े गए ताकि इमरान के जो समर्थक है उन पर काबू पाया जा सके। रोकने के लिए पाकिस्तान की पुलिस से लेकर के सेना तक इस वक्त मोर्चा संभाले हैं, लेकिन इमरान समर्थक पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सेना और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। तमाम तस्वीरें देखिए ये साफ करती हैं कि पाकिस्तान में एक
तरह से इमरजेंसी ही लग चुकी है। पाकिस्तान की पुलिस है, सेना पाकिस्तान की, तो दूसरी तरफ पीटीआई समर्थक, इमरान समर्थक, पीटीआई के जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इमरान समर्थकों का ये प्रोटेस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो प्रमुख शहर हैं, इस्लामाबाद और लाहौर, दोनों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और लगातार जो इमरान खान के पार्टी के समर्थक है वो उनके रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि आर्मी को तैनात किया गया है और आर्मी ने लगातार टीयर गैस कर भीड़ को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे गोली बरसाई जाएगी, तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ ये बगावत का एक और ऐलान है। गोली का जवाब गोली से देने का ऐलान करने वाले ये जनाब है खैबर पख्तूनवा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर। इस्लामाबाद में एंट्री के दौरान झड़प हो गई और ये झड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई। इमरान के समर्थक और पुलिस वाले भिड़ गए, ये आग फैल गई। इमरान के समर्थकों ने रिहाई की आवाज बुलंद की। हम इस वक्त बीच चौक पे खड़े हैं, ये बीच चौक है, ये सामने सारे खुले खड़े हैं और ये और इस्लामाबाद में हालात बिगड़ने पर सेना तैनात कर दी गई है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, इमरान खान के समर्थकों से निपटने के लिए तैनाती की गई है। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के घुसने पर बैन है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों इमरान समर्थक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद की सबसे वीवीआईपी लोकेशन, यानी कि वो लोकेशन जहां पर शाहबाज शरीफ का ऑफिस है, वो लोकेशन जहां पाकिस्तान की संसद और सुप्रीम कोर्ट है, और वहां पर इमरान सपोर्टर्स का कब्जा हो चुका है। शाहबाज शरीफ की पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो कहां किसी के रोके रुकने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो इमरान समर्थक इस्लामाबाद में आग लगा कर मानेंगे। इस्लामाबाद टू रावलपिंडी एससीओ समिट से पहले तनाव जरूर है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा क्या मामला है, क्यों हंगामा पसरा है। सेना, अर्धसैनिक बल और रेंजर तैनात कर दिए गए हैं। इस हद तक नौबत आ गई कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया गया और 144 धारा लगा दी गई है। आपको बता दें कि सभा और प्रदर्शन पर रोक रहेंगे, एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। इमरान समर्थक आज पाकिस्तान में आग लगाकर ही मारेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई ने मोर्चा खोल दिया। इस्लामाबाद के डी चौक यानी सबसे बड़े चौक पर बड़ा प्रदर्शन किया। इसी चौक के पास पाकिस्तान की संसद, सुप्रीम कोर्ट और पीएम ऑफिस मौजूद है। रावलपिंडी में मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इमरान खान की एक आवाज पर उनके समर्थक पुलिस के इंतजाम को तोड़ते हुए रावलपिंडी पहुंच गए। ये वही शहर है जहां की एक जेल में इमरान खान बंद है। कुछ दिनों पहले इमरान के नेता ने जेल तोड़ने का ऐलान किया था। क्या इमरान जेल से बाहर आने वाले? पाकिस्तान के फौजी हेडक्वार्टर के पास सिविल वॉर के हालात बन गए। हजारों इमरान सपोर्टर सड़कों पर उतर गए और उन्हें हटाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री ने आंसू गैस की बरसात कर दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग घायल हुए। कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन उनकी एक कॉल पर हजारों लोग सड़कों पर उतरकर शहबाज सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज की पुलिस ने रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। कहीं कंटेनर वाला ट्रक लगाकर जाम किया तो इमरान समर्थक नदी के रास्ते आगे बढ़ते दिखे। एक और बड़ी खबर ये मिल रही है, इस्लामाबाद से डी चौक की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने कंटेनर लगाकर रास्ता सील किया है। प्रदर्शन देखते हुए सेना और पुलिस तैनात कर दी गई है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह कंटेनर्स लगे हुए हैं, लेकिन एक भारी जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक जाम, क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए, हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हजारों इमरान समर्थकों को आप देख पा रहे हैं, इस्लामाबाद कूच करना चाहते हैं। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पीटीआई समर्थकों को रास्ता रोकने पर कंटेनर लगाए गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।